तो सो गाइस हमारे सामने हंटर 350 और आज इसमें लगने जा रहा है जीटी का हैंडल बार। हैंडल मतलब कि जो जीटी का प्रॉपर सेटअप आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरसेप्टर का एक तरीके से। देखो भाई कुछ ऐसा सिस्टम, ये इंटरसेप्टर का है ना, ये ऊपर का है। जीटी का जो आता है वो थोड़ा सा नीचे करके आता है। तो अभी इसमें लगने जा रहा है अपने हंटर में, तो फिटिंग आपको दिखाते कि भाई कैसे कैसे लग सकता है। लाइट चल गया, लाइट आ जाए एक बार तो फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया से कैसे फिटिंग होता है इसमें। और इसका रेड रूस्टर वाला भी जो वीडियो है वो भी पेंडिंग रह गया, अभी तक आया नहीं है। स्टे ट्यून भाई, थोड़ा सा मैं बिजी था, नहीं आ पाया इधर। देखो रेड रूस्टर लगा, बहुत जल्द रेड रूस्टर का भी वीडियो आने वाला है। मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, बस उसको थोड़ा सा एडिट करना है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। वो वाला भी वीडियो जल्दी आने वाला है। इधर खुल रहा है अभी। कहाँ रखा है सामान, तो गाइस पहले आपको ना ये खोल लेना है, ये सारा जो भी फिटिंग है सब, किल स्विच वाला और सब, ये सब खुल के निकल जाएगा बाहर। और उसके बाद कैसे फिटिंग होता है आपको दिखाते हैं। गाइस टेंशन मत लो कैसे होगा, खुद हम लोग भैया भी पहली बार कर रहे हैं, खुद सब अभी पता चल जाएगा आपको भी कैसे फिटिंग होने वाला है। इसका क्लिप ऑन खुल चुका है, हैंडल खुल चुका है। देखो भाई कितनी नंगी सी लग रही है। ये सारा इसका फिटिंग है, यही ओरिजिनल फिटिंग आएगा उसमें, ये सब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस जो ये रॉड है ना, ये रॉड आपकी निकल जाएगी और ये क्लैंप आपका निकल जाएगा। जो फिटिंग होगा वो यहाँ से होगा, ताकि जो पोस्चर है वो थोड़ा सा ना नीचे कर रहे, आपको जीटी वाला फील है। जैसे जीटी में आदमी एकदम झुक के चलाता है ना, तो ये भी एक तरीके की कैफे रेसर ही है। तो उसमें भी थोड़ा सा इसका जो हैंडल है वो स्ट्रेट और जीटी का थोड़ा सा नीचे, तो इसमें भी ना थोड़ा सा आप झुक के चलाओगे तो थोड़ा सा फील और ज़्यादा बढ़ जाता है हंटर में चलाने का। और ऊपर से अगर आपके हंटर में ये लगा हो तब तो भाई मज़ा ही अलग है। भाई दोनों तरफ का भी हैंडल खुल चुका है, इस तरफ थोड़ा सा ग्रीसिंग करके निकाला जा रहा है ये वाला भी हैंडल। एक बार प्रोसेस चालू हो जाता है ना, फिर आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है, कैसा कैसे लगता है बेसिकली। क्योंकि अभी तक ना कोई डिटेल्ड वीडियो ऐसे यूट्यूब पे नहीं आई है कि एकदम डिटेल में जो बताया गया हो कि कैसे फिटिंग होती है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे फिटिंग होती है हंटर में जीटी का क्लिप ऑन। तो भाई अभी गाड़ी आगे से पूरी नंगी हो चुकी है, बस आपको ये ना चार नट खोलने हैं और इस पर इसी पर पूरा आपका हैंडल टिका रहता है। और ये खुल गया है और अभी यहाँ पे ये पूरा फोर्क जो है ना, फोर्क के ऊपर ये चीज़ वो टी बोलते हैं ना भैया, ये पूरा खुल जाएगा टी प्लेट। और फिर इसके बाद जाके जीटी का क्लिप ऑन लगने वाला है। इसमें मेहनत काफ़ी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 12:33 हो रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस ये रहा फाइनली अपना जीटी का क्लिप ऑन। अब भाई जो सिस्टम है इसी का है, देखो वहीं पे वो फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया बहुत जुगाड़ू आदमी है भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे सब काम जुगाड़ से चलता है। देखो सब लोग लगे हुए हैं, ये भी भाई लगे हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। अब देखो क्या होता है, कैसे फिटिंग होता है, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा गाइस। देखो यही मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मार किया था बस उतना ही कट रहा है। ये कट जाएगा ना, उसके बाद वो जो क्लिप ऑन था वो प्रॉपर इसमें फिट आ जाएगा। तो भाई देखो ये चीज़ का, यहाँ का लेंथ देखो और यहाँ का लेंथ देखो, ये चीज़ चॉप हो चुका है, अभी गर्म भी है। और इसमें अभी ये रबड़ वॉशर लगने जा रहा है, फिर उसके बाद लगेगा ये वाला क्लिप ऑन, लग जाएगा भाई अपना सेट हो जाएगा मामला पूरा। पहले क्या सिस्टम है, देखो बस यही तो था, लोग इतना परेशान क्यों हो रहे थे इसमें। तो भाई मेन दिक्कत ना इस तरफ है, इस तरफ पूरा HT कॉइल, मेरे ख्याल से HT कॉइल है ये भैया, HT कॉइल है क्या ये, HT कॉइल इसको बोलते हैं क्या, अच्छा तो जो भी है भाई ये अभी इसको खोल के अब पता नहीं इसको कैसे काटेंगे क्या करेंगे, कुछ मेरे को नहीं पता। भैया बोले बस आप देखिए, हमको कुछ नहीं पता भाई क्या होने वाला है। इस तरफ जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ना सेट हो चुका है, अभी इसका भी सेटिंग करना बाकी है, देखना है कितना नीचे हो भी रहा है नहीं हो रहा है। अभी तो हम लोग को वैसा कुछ फील समझ में आ नहीं रहा, देखो क्या होता है। जैसा मैंने तो भाई देखो जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कुछ जो कॉइल वाइल था अभी इसको खोल दिया गया। अब देखो इसमें क्या भैया करते हैं, अपना जुगाड़ लगाते हैं, हमको खुद नहीं पता। इसी के ऊपर से काटेंगे भाई, यहाँ पे देखो मार्किंग है। अब देखो कैसे कटता है, क्या फिटिंग होता है, आप टेंशन मत लो, आपको वीडियो में ना सब पता चल जाएगा कैसे क्या होगा। तो भाई मैं ना कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँ और आपको इसी छोटे से वीडियो में ना सब एक्सप्लेन कर दूँ और फाइनल रिजल्ट भी दिखा दूँ, कितना लेबर लगा कितना खर्चा आया सब इसको आपको इसी वीडियो में बता दूँ। तो भाई स्टे ट्यून्ड। और जो इस तरफ का भी जो था ना क्लैंप, ये भी कट चुका है अपना और इसके ऊपर अब क्लिप ऑन लगने वाला है। इसके ऊपर भी क्लिप ऑन लग जाएगा तो उसी लेवल पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी था अब वो भैया पता नहीं कैसे लगाएंगे, उसका भी देखते हैं, मतलब वीडियो में आपको बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी वो क्लिप ऑन इसमें लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सेटिंग बैठता है यहाँ पे।
तो भाई अभी वो जो भी कॉइल वॉइल था ना वो इसमें अभी फिटिंग हो रहा है। ये सिस्टम भाई सिस्टम हो गया। ये भाई ये भाई दोनों क्लिप ऑन लग चुका है और हैंडल पड़ा है। ये हैंडल है, ये दिख रहा है ना ये आपको, ये और ये हैंडल है पूरा, इसी में हैंडल लगेगा। अब देखना है भाई कि कितना नीचे आता है ये हैंडल, मेन मसला तो यही है। अब इसका फिटिंग होगा भाई, यहाँ पे ये लग जाएगा और यहाँ पे ऐसे इसमें फिटिंग हो जाएगा, इसमें हैंडल डाल के इसका बोल्ट कसा जाएगा। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ये रहा पेंट, अब हम लोग करने जा रहे हैं पेंट। जिनकी गाड़ी है भाई वो एकदम पगला है कि पेंट ही करना है हमको, ब्लैक चाहिए सिल्वर नहीं चाहिए, तो अभी मैं ही करूँगा पेंट। इसको पेंट करते हैं, वैसे सारा काम हो गया आपको, फिटिंग मैंने दिखाई दिया। अब इसको फिटिंग करके आपको एक्चुअली दिखाएंगे कि और तो कुछ नहीं रह गया इसमें, अब पेंट कर लेते हैं फिर उसकी फिटिंग आपको दिखाते हैं। तो भाई ये हो चुका है पेंट, उतना बढ़िया क्वालिटी का पेंट तो हुआ नहीं भाई, मतलब ठीक है। देखो यहाँ यहाँ थोड़ा सा ना दाग सा आ गया है, लेकिन पेंट हो गया। अभी दो कोट किया है, अब इसको देखते हैं भाई इसका पेंट ना निकले, इसको करवाते हैं फिट। मेरे ख्याल से करवाते फिट ना फिटिंग मतलब करवाते करवाते पेंट तो उसको छोड़ना ही छोड़ना भाई, 110% छोड़ेगा पेंट। अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई वो तो पेंट हो गया, लेकिन थोड़ा जो इसका टी है ना इसमें भी थोड़ा सा, तो भाई इसके टी में भी ना थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑल्ट्रेशन हुआ है भैया कर रहे हैं, उसके बाद ही जाकर ना फिटिंग होगा। ये तो भाई इसके लिए ऑल्ट्रेशन हो रहा था कि उसका जो पत्ती है ना उसमें फिट जाके बैठ जाए और इधर उधर ना हो। तो भाई देखो ये कुछ इसमें ऐसा फिटिंग हो रहा, जो नीचे वाला वो था ना बोल्ट उसी के लिए ड्रिल किया गया था। अभी दिखाते हैं आपको, भैया एक बार बैठा लें। ये भाई एकदम सेट, देखो यहीं पे ड्रिल किया गया था ताकि वो जो पिन था ना वो इसमें जाके पूरा प्रॉपर बैठ गया और अभी बैठ चुका है। एकदम हिल नहीं रहा भाई, और अभी ये रॉड अभी कसाया नहीं है, अभी यहाँ पे देखो कसाएगा, यहाँ पे कसाएगा, यहाँ पे कसाएगा, ये पूरा कसाएगा अभी। तो भाई देखो यहाँ पे ना क्लच की फिटिंग हो चुकी है, अभी इसको टाइट नहीं किया गया है और पूरा टीवी सब काट पीट के लग गया, मीटर लग गया और अभी सही भाई लुक तो सेक्सी वाला आ रहा है भाई। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर तुम कोई बढ़िया मैकेनिक के पास जाओगे ना वो अगर उसको समझ गया कि करना क्या है तो वो कर देगा आराम से। बस ये कवर काटना था इसमें और ये जो टी है इसको हल्का सा ड्रिल करना था नीचे के साइड से, ऊपर के साइड से नहीं, इसके नीचे के साइड से हल्का सा ड्रिल करना ताकि जो पिन था ना पिन उसमें जाके बैठ जाए और वो एकदम प्रॉपर बैठ जाए उस पर। तो बस वही हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अभी यहाँ से भी टाइट हो जाएगा तो फिर ये भी हिलना बंद हो जाएगा। तो भाई ये वाला जो है ना ये स्टॉक हैंडल, इसमें देखो एक छेद है ना, ये भी किसी चीज़ के लिए, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो जो GT वाला है ना उसमें छेद नहीं था, तो अभी वो भी छेद होके आया है यहाँ पे, जो कि इनको पता नहीं कैसा कैसा, जो भी प्रोसेस है भाई आपको वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे दो दो छेद है ना, और एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो तो यहाँ पे है, तो उतना छेद होगा तब उसमें कुछ होगा सेटिंग उनका, अभी पता चलेगा क्या है वो चीज़। तो भाई उधर क्लच और स्विचेस लग गए हैं और इधर अभी स्विचेस लग रहे हैं और उधर क्लच लटक रहा था अभी, बस मतलब काम होने वाला है भाई, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 3:30 हो गया। तो भाई अपनी आखिरी फिटिंग हो चुकी है पूरी, बस यहाँ पे थोड़ा सा गैप है अभी भैया छोड़ के रखे हैं कुछ पता नहीं क्यों, अभी वो भी पता चल जाएगा। और बात बाकी भाई अभी तुम टेम्परेरी लुक देख लो कैसा आ रहा है, आगे से दिखाता हूँ तुमको। भाई लुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है यार, ये कुछ फाइनल लुक, ये जो गैप है ना ये गैप रहेगा, आप किसी का भी वीडियो जाके देख लो, कुछ भी देख लो, इंस्टाग्राम पे भी जो वायरल होते हैं उनका भी देख लेना, ये इतना गैप रहता ही है हंटर में क्योंकि प्रॉपर वो पूरा अंदर नहीं फिट हो पाता है। अब यहाँ पे जो है बारंट भी लग जाएगा तो और सेक्सी लुक हो जाएगा,
और भाई अपना थोड़ा सा गाड़ी में फील आ रहा है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन लग रहा है जिसमें लीन वीन में। और भाई तुमको पता है अब गाड़ी का ऐसा पोजीशन हो गया है ना कि तुमको लीन वीन में ना और मजा आने वाला है चलाने में। भाई बाइक का पीओवी बहुत मस्त हो गया है भाई। अपने हंटर में फाइनली लग चुका है जीटी का क्लिप ऑन। भाई क्या लुक आ रही है भाई, क्या लुक आ रही है भाई। भाई एक बार हम भी ट्राई करके आते हैं, फिर मजा आएगा भाई इसको चलाने में, मजा आएगा भाई। तो देखो लुक कुछ ऐसा आ रहा है अभी हंटर में जीटी का क्लिप ऑन लगने के बाद। भाई अभी मैं चला के आया, टेस्ट राइड लेके आया, बहुत मतलब यार अजीब सही थोड़ा सा लग रहा था चलाने में, बहुत नीचे लग रहा था चलाने में। तो भाई यही था कुछ वीडियो, होप सो आपको वीडियो ना पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अरे भाई क्या कर रहे हो। तो भाई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर तुमको जीटी के क्लिपॉन्स के बारे में और कोई क्वेश्चन है भाई तो कमेंट्स पर जरूर पूछ सकते हो। अब आपसे मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।